सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबा कर पाएं सभी नोटिफिकेशन। नमस्कार, एमएचएन प्राइम पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ खुशबू शर्मा, एक बार फिर लेकर हाजिर हूं आप सभी का पसंदीदा शो, जिसमें हम अक्सर कहते हैं कि कोरोना कहे रोना और कवि कहे हंसोना। जी हाँ, मुश्किल की इस घड़ी में, संकट के इस वक्त में बेहद जरूरी है कि मुस्कुराया जाए, क्योंकि मुस्कुराहट ही एक ऐसी चीज है जिसके जरिए बड़े बड़े युद्धों को जीता जा सकता है, बड़ी बड़ी जो असुविधाएं हैं, जो मुसीबतें हैं, उनसे पार पाया जा सकता है। लेकिन क्या वाकई हंसना बेहद आसान है? जिन लोगों के लिए हंसना मुश्किल है, उन लोगों के लिए ये शो है जो घर बैठे हमारे इस प्रोग्राम के जरिए मुस्कुराहट को जी सकते हैं, ठहाके लगा सकते हैं, हंस सकते हैं। चार पंक्तियों से शुरुआत करती हूं कि मुश्किलें लाख सही, गम में भी हंसते रहिए। मुश्किलें लाख सही, गम में भी हंसते रहिए। जिंदगी भोर है, सूरज से निकलते रहिए। एक ही जगह पे ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही राह पे चलते रहिए। तो जिंदगी जीने का नाम है, जिंदगी जीना जरूरी है और जिंदगी जीने के लिए हंसना बहुत जरूरी है। तो चलिए, आज खिलखिलाहट को बांटने के लिए, आप सभी को घर बैठे फिर से उन्मुक्त कर देने के लिए हमने आमंत्रित किया है एक ऐसे महान कवि को जो वीरभूमि राजस्थान से ताल्लुक रखते हैं। वीरभूमि राजस्थान से हैं तो जाहिर सी बात है कि वीरता भी कूट कूट कर भरी होगी, लेकिन जब ये वीरता हास्य में तब्दील हो जाती है तो एक ऐसा ओज का हिमालय बन जाता है, एक ऐसे ठहाकों का हिमालय बन जाता है कि लोग वाह वाह कर उठते हैं। तो चलिए, बिना देरी के स्वागत करते हैं। हमारे साथ अजात शत्रु जी जुड़ रहे हैं, जो बेहद बेहतरीन कवि हैं, शानदार इंसान हैं, हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि विदेशों में यात्रा करके भी कविताओं के जरिए लोगों तक अपनी पहचान बना चुके हैं और हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर रहे हैं। ये दूसरी बात है कि हाल फिलहाल में उन्होंने विदेश की कोई यात्रा नहीं की है, इसलिए वो कोरोना से मुक्त हैं। चलिए स्वागत करते हैं अजात जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार। नमस्कार खुशबू जी, आपको बहुत बहुत नमस्कार और MH1 न्यूज चैनल के जितने दर्शक हैं, मैं तमाम दर्शकों को अपनी तरफ से उनके सुखी और निरोगी होने की कामना करता हूं कि वो लॉकडाउन में लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए स्वस्थ रहें और निरोगी रहें। रही बात की, देखो मैं तो घर में ऐसे कपड़े पहन के बैठा हुआ हूँ, क्या करूं, मुझे भी जुलाई में न्यूयॉर्क जाना था, अमेरिका की यात्रा थी मेरी, लेकिन जो ईश्वर को के लिए लिखा हुआ है, जो ऊपर वाले ने लिखा है उसे हम है, लेकिन कहीं आदत ना भूल जाओ, इसलिए देखो मैं आज आपके लोगों के बीच पहली बार जैकेट भी पहन के आया हूँ। बेहद जरूरी है अजात जी, मेरा सवाल यही है कि देखिए, कवियों को बाहर घूमने की आदत होती है, घूमना क्या, सफर पर रहना होता है, तमाम जगह प्रोग्राम्स होते हैं, ऐसे में पिछले 2.5 महीने से घर पर बैठना और खास तौर से पत्नी के साथ रहना, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? कोरोना आसान है, कोरोना से निपटा जा सकता है जी। अच्छा, कोरोना के लिए भी एंटीवायरस आ जाएंगे, लेकिन युगों युगों से इनके लिए कोई एंटीवायरस नहीं बना है। क्या बात है, बिल्कुल सही, लेकिन इतना ख्याल रखिएगा आजाद जी, मैं अक्सर कहती हूँ जो पुरुष कवि हमारे साथ जुड़ते हैं कि उनको लाइव के बाद घर पर ही रहना है, तो चाय नाश्ता खाना समय पर मिलता रहे इसका ख्याल आपको रखना है। डेफिनेट डेफिनेट, इसलिए मैं दूसरे ऐसे कमरे में हूँ जहाँ से मेरी आवाज दूसरे रूम में नहीं जा सकती। बिल्कुल, ये बोल रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ, आप किसी को मत बताना। नहीं, मैं बिल्कुल किसी को नहीं बताऊंगी, बस हमारे कुछ दर्शक इस बात को सुन रहे हैं बस, और मैं ज्यादा लोगों को नहीं बताऊंगी। अच्छा आजाद जी, आप जिस रंग के लिए जाने जाते हैं, आप हास्य के लिए जाने जाते हैं, हास्य के परमाणु बम हैं आप, तो मैं चाहती हूं अब यहां से आप शुरुआत करें और जो दर्शक घर बैठकर सुन रहे हैं आपको, देख रहे हैं आपको, वो इस संकट की घड़ी को कुछ देर के लिए भूल जाएं। जी, मैं आपको सुनाता हूं कुछ, मैं कोरोना से जो ह्यूमर निकल के आया है वहीं से बात करता हूं, आप सब तक पहुंचे, तमाम दर्शकों तक पहुंचे। स्वागत। कोरोना से घबराऊं डोले क्यों भारत की नैया, आनंद लीजिए जिंदगी के, जब जिंदगी आपके मजे ले रही हो तो आप जिंदगी के मजे लेना सीखिए। क्या बात। कोरोना से घबराऊं डोले क्यों भारत की नैया, मैं तो सपने में डर जाऊं डोले क्यों भारत की नैया, अर्थव्यवस्था भी तो ये जी का जंजाल हुई है, अर्थव्यवस्था भी तो ये जी का जंजाल हुई है, मुर्गा सस्ता हुआ कसम से महंगी दाल हुई है, जमकर बिरयानी भी खाऊं डोले क्यों भारत की नैया,
अंग्रेजी भी बंद हो गई, देसी थर्रा आया, वो भी जुगाड़ से आया बड़ी मुश्किल से। और जब दुकानें खुली थी तो लाइनें लग गई एक एक किलोमीटर की दुकानों के आगे। अंग्रेजी भी बंद हो गई, देसी थर्रा आया, उस थर्रे को गुटका करके चूहा भी गुर्राया, मैं कोरोना से लड़ जाऊं डोले क्यों भारत की नैया, मैं कोरोना से लड़ जाऊं डोले क्यों भारत की नैया। और इस बीच में एक बड़ी राष्ट्रीय समस्या उभर के आई, वो कौन सी थी? अच्छा, सोना बाबू हार गए हैं लॉकडाउन के आगे। सोना बाबू हार गए हैं लॉकडाउन के आगे, जहाँ जहाँ देखी है वर्दी पिछवाड़े से भागे, जमकर लाठी भी बरसाऊ डोले क्यों भारत की नैया। और इसी गोत्र की दो पंक्तियां और देखिए, कई दिनों से खोया खोया रहता सोना बाबू, कई दिनों से खोया खोया रहता सोना बाबू, बाहर तो कोरोना है भीतर सपने बेकाबू, बाहर तो कोरोना है भीतर सपने बेकाबू, कैसे दोनों को निमटाऊं डोले क्यों भारत की नैया। और रोज सवेरे उठकर जिसकी, रोज सवेरे उठकर जिसका होता हूँ आभारी, रोज सवेरे उठकर जिसका होता हूँ आभारी, झूठे जग में सच्चा तीरथ है एक घर की नारी, मैं बीवी के पाव दबाऊ डोले क्यों भारत की नैया, मैं बीवी के। और मैंने खुशबू जी एक कल्पना की है, एक सपना देखा है, वो सपना कौन सा है जी? फिर से कवि सम्मेलन हो रहे हैं, फिर से बहारों का मौसम आ गया है। एक सपना जी, भव्य मंच है उस पर बैठे कवि सब क्रूर शिकारी। अच्छा, भव्य मंच है उस पर बैठे कवि सब क्रूर शिकारी, सहमी सपची बैठी है जी हिरनी एक बिचारी। सहमी सपची बैठी है जी हिरनी एक बिचारी, मैं किस किस के तीर बचाऊं डोले क्यों भारत की नैया, मैं किस किस के तीर बचाऊं डोले क्यों भारत की। इसलिए मैं समझता हूं कि भारत की नैया को डोलना नहीं है, और न कभी डोली है और न कभी डोलेगी। मुझे याद आता है ऐसी ऐसी महामारियां न केवल हम कवियों ने देखी है, गोसाई बाबा तुलसीदास जी ने देखी थी। उन्होंने लिखा है कि मैं गंगा में इतने शव देख रहा हूं। हमारी बहुत सी मैंने कुल्ली भाट पढ़ी, महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने महामारियां देखी है। आप देखो तो शेक्सपियर जो है उन्होंने अपना विश्व प्रसिद्ध उपन्यास जो है, नाटक जो है किंग लियर, वो किंग लियर महामारी के अंदर लिखा था। हम कवियों के लिए, आपके लिए, सबके लिए उत्सव का समय भी है, सिर्फ भीतर की यात्रा करनी है, भीतर की यात्रा, आत्मा की अनहद नाद की यात्रा करनी है। आनंद लीजिए चंद पंक्तियां और आप तक पहुंच जाता हूं। स्वागत है आजाद जी। कलयुगी द्रौपदी ने कृष्ण को पुकारा, प्रभु देखो ये दुशासन मुझे साड़ी पहनाता है। ओहो, कलयुगी द्रौपदी ने, भाषा पे ध्यान दीजिएगा, आप तो खुद एक विदुषी पत्रकार हैं, देखिए जी। कलयुगी द्रौपदी ने कृष्ण को पुकारा, प्रभु देखो ये दुशासन मुझे साड़ी पहनाता है, रोते रोते कॉलेज में बोलो उठे द्रोणाचार्य, एकलव्य मेरा ही अंगूठा काट जाता है। क्या बात है, रावण से लेकर सुपारी आया विभीषण, आजकल अपनी अयोध्या को जलाता है। रावण से लेकर सुपारी आया विभीषण, आजकल अपनी अयोध्या को जलाता है। कवि ने कविता सुना कर ये सवाल किया, देखता हूँ कौन कौन तालियां बजाता है, देखता हूँ कौन कौन तालियां बजाता है। तो खुशबू जी, तालियां सुनने के लिए कान तरस है भाई, ऐसा है आजाद जी। अब देखिए, हमारे दर्शक जो बैठे हैं वो बेशक आपके लिए तालियां बजा रहे होंगे, लेकिन अमेज़न प्राइम की तरफ से इस स्टूडियो में इकलौती मैं आपके हिस्से आई हूं, तो मैं आपकी पंक्तियों पर तालियां बजा देती हूं। बेहद खूबसूरत काव्य पाठ आप कर रहे हैं जी सर, स्वागत है। चार पंक्तियां सुनिए खुशबू जी, बहुत अच्छा, सुनिए जी। भगवान में खरा हूँ, मुझको खोटा बना दो। ओहो अच्छा, भगवान, मैंने कल्पना की है, एक प्रार्थना भी की है, ये कलयुग की कल्पना है। भगवान में खरा हूँ, मुझको खोटा बना दो, गंगा किनारे वाला कोई लोटा बना दो,
मिल जाए अप्सरा तेरे भजन में गाऊंगा। और अगली पंक्ति पे आप सबका मन मांगता हूँ जी, मिल जाए अप्सरा तेरे भजन में गाऊंगा, कुछ देर के लिए अनूप जलोटा बना दो। क्या बात है देर के लिए, भाई वाह भाई वाह, देर के लिए अनूप जलोटा बना दो। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। चार पंक्तियां और देखें आप। अर्थव्यवस्था बिगड़ने वाली है, रुपया गिरेगा, ये संभव है, लेकिन रुपया गिरेगा और रुपया आपसे क्या कह रहा है इस वक्त में, कोरोना के संकट के समय में रुपये ने भारत के आम नागरिक से क्या कहा। चार पंक्तियां देखें। बाजार में गली में मोड़ मोड़ पे फिरा, बाजार में गली में मोड़ मोड़ पे फिरा, थामा उधर से छूट जाता दूसरा सिरा, थामा उधर से छूट जाता दूसरा सिरा, जितना रुपये के लिए गिरता है आदमी, जितना रुपये के लिए गिरता है आदमी, उतना तो रुपया अभी तलक नहीं क्या बात गिरा। है, क्या बात उतना है, तो क्या खूबसूरत, क्या खूबसूरत बात कही है। मैं चाहूंगा कि ऐसे वक्त में मैं कुंवारों के लिए गीत मैंने लिखा था, हाँ जी, की कुछ पंक्तियां आप तक पहुंचा। बेहद जरूरी है, शोना बाबू बहुत परेशान है उनके लिए जरूरी है। जी जी जी, जो भी जितने भी MH1 न्यूज को देख रहे हैं, जरा इस गीत को आनंद से लीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जहां भी आप सोशल मीडिया पे कर सकते हैं। सुनिए, कि तुझ में है हिम्मत तो प्यारे आजा शादी करके दे। रण बांकुरे जितने भी है, जितने भी छोना बाबू सुने, कि तुझ में है हिम्मत तो प्यारे आजा शादी करके दे, देख जरा आजादी की बर्बादी करके देख, तुझ में है हिम्मत तो प्यारे आजा शादी करके देख, यह जो तेरी गर्लफ्रेंड यदि घरवाली बन जाए, ओहो, यह जो तेरी गर्लफ्रेंड यदि घरवाली बन जाए, रात में सूरज और दिवस में ये तारे दिखलाए, इसके तिरछे नैन कटारी आजा शादी करके दे, इसके तिरछे नैन कटारी आजा शादी करके दे। और दो पंक्तियां और देखिए, आनंद लीजिए, परिहास और उपहास का यही अंतर है। बहुत आनंद आ रहा है, वाह। मोदी जी सा शेर आदमी बीबी से डर भागे, मोदी जी सा शेर आदमी बीबी से डर भागे, और यहाँ सलमान खान के रह गए कच्चे धागे, नारी होती सब पर भारी आजा शादी करके। क्या बात है, क्या बात है, वाह। और अटल बिहारी और कलाम ने ये लड्डू ना खाए, कहते हैं कि शादी वो लड्डू है जो खाए जो पछताए, जो ना खाए वो पछताए, तब मैं कहता हूँ अटल बिहारी और कलाम ने ये लड्डू ना खाए, स्वामी बाबा रामदेव ने डीपर भी दिखलाए, योगासन में आके मारी आजा शादी करके देख, तुझमें है हिम्मत तो प्यारे आजा। हालांकि मैं रामदेव जी का मैं खुद बड़ा भक्त हूँ, और मैं सवेरे सवेरे आजकल जो प्राणायाम करता हूँ उसमें उनकी प्रेरणा भी शामिल है। आनंद लीजिए, सुनिए। जी, स्वागत है। 30 मार का जितने थे बीबी के लाल कहाए, राहुल बाबा अभी तलक भी घोड़ी ना चढ़ पाए, बोले दिग्गी और तिवारी आजा शादी करके देख, बोले दिग्गी और तिवारी आजा शादी करके देख, तुझ में है हिम्मत तो प्यारे आजा शादी करके देख। वा, 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 मैं चाहता हूँ, मैं पहली बार आपके इस चैनल पे, इस प्यारे न्यूज चैनल पे मैं हूँ जी। एक इन दिनों की मेरी बहुत वायरल कविता है जो कई लाखों मोबाइलों तक पहुंची है जी। मैं इस पटल पे आपके सामने रखना चाहता हूँ। स्वागत है, सुनिए। स्वागत है सर। कि सुनी सुनी है, अब आनंद लीजिए। सुनी सुनी है, सुनी सुनी है सड़के सारी, छिपे है नर नारी, कोरोना ने बेहाल कर दिया, अब रक्षा करेंगे गिरधारी उसी की बलिहारी, कोरोना ने बेहाल कर दिया। और कैसे किया है बेहाल, बहुत खूब, वाह शुक्रिया। ये वुहान का वायरस चीनी माल बड़ा तगड़ा निकला,
खुशबू जी, हमने चाइना के बारे में सुन रखा था कि वहां से नकली चीजें आती हैं, और मैं तो ये कहूंगा कि आप ये सब बंद कर दिए, चाइना का जो भी आ रहा है वहां से, चाहे वो टिकटॉक हो चाहे कुछ भी हो जी। लेकिन नकली चीजें भेजने वाले देश ने बीमारी असली भेजी, असली भेज दी, और उस बीमारी को चेक करने के लिए जो किट होते हैं वो किट वापिस नकली वाले भेज दिए। तब कहता ये वुहान का वायरस चीनी माल बड़ा तगड़ा निकला, इटली में कोहराम मचाया, घर घर में लफड़ा निकला, दुनिया भर में दस्तक देकर के भूकंप मचा डाला, गांव शहर गलियों चौराहों दरवाजों पर है ताला, लॉकडाउन में जनता बिचारी बीमारी ये हत्यारी, कोरोना ने बेहाल कर दिया, अब रक्षा करेंगे गिरधारी उसी की बलिहारी, कोरोना ने बेहाल कर दिया। इसलिए मैं तो ये कहूंगा कि हमको लॉकडाउन के नियमों का पालन भी करना है और आनंद से रहना है, क्योंकि घरों का दृश्य कैसा है अब देखिए आप जी, अच्छे अच्छे तुर्रम खा घर में पानी भरते देखे, आपके घर में भी हो सकता है, मेरे घर में तो मैं खुद भुगत भोगी हूँ, अच्छे अच्छे तुर्रम खा घर में पानी भरते देखे, 30 मार खा जितने थे झाड़ू पोछा करते देखे, बीबी के चरणों में बब्बर शेरों को रोते देखा, गब्बर सिंह गबरू को भी हमने बर्तन धोते देखा, टीवी देख रही पत्नी जी प्यारी रसोई में मुरारी, कोरोना ने बेहाल कर दिया, अब रक्षा करेंगे गिरधारी उसी की बलिहारी, कोरोना ने बेहाल कर दिया। और इस गीत की आखिरी पंक्तियां हैं जी, और पुलिस की लाठी ने कितनों को माला माल किया, जिसने भी नियमों को तोड़ा पिछवाड़े को लाल किया, जनता कर्फ्यू में जो निकला डावा डोल बजा डाला, लाला जी की बॉडी का पूरा भूगोल बजा डाला, सैनिटाइजर की लाठी सरकारी खींच कर मारी, कोरोना ने बेहाल कर दिया, अब रक्षा करेंगे गिरधारी उसी की बलिहारी, कोरोना ने बेहाल कर दिया। तो इस बेहाल में, इस जिंदगी के इस रंग में, इस रूप में भी हम आनंद से जिए घर के अंदर। बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने आज का ये माहौल बनाया। आजाद जी, देखिए बेहद मुश्किल काम है हंसना, और उससे भी मुश्किल काम है किसी को हंसाना, और किसी को हंसाना मतलब ईश्वर की आराधना करना, वो व्यक्ति विशेष हो जाता है, ईश्वर के करीब हो जाता है। आपको कैसा महसूस होता है जब आपकी वजह से दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट आती है, और संकट की इस घड़ी में आपको क्या लगता है कि क्या वाकई हंसना मुस्कुराना बेहद जरूरी है? और मैं जिंदगी की हंसी जो है वो जिंदगी की प्राण वायु है जी, जो हंसता है। देखिए अक्सर हम ये बात कहते हैं, ये कुदरत ने मनुष्यों को दिया है हंसी का तोहफा। आपने कभी जीवन में किसी गधे को हंसते हुए नहीं देखा होगा, अगर किसी गधे को हंसते हुए देख ले तो समझ लेना वो मनुष्य बनने की प्रक्रिया में है, और यदि किसी मनुष्य की हंसी गायब हो जाए तो यकीन मानिए वो डैश। तो इसलिए ये जरूरी है। मैं तो अक्सर कहता हूं कि कानों में कुंवारी के जो रहती है बालियां, बालियों से प्यारी लगे जीजा जी को सालियां, सालियां परोस लाई लड्डुओं की थालियां, थालियों की कविता बजाइएगा तालियां। क्या बात है, बहुत खूब, बेहद शानदार, बेहद बेहतरीन आजाद जी। और अभी हमारे पास थोड़ा सा वक्त और शेष है, हम चाहते हैं कि आप अपने मन की कोई बेहतरीन सी कविता हमारे दर्शकों के लिए पढ़ दीजिए, ताकि हमारे घर बैठे दर्शक जो है वो बेचारे मायूसी को छोड़ दें। मैं तो आपको बधाई दूंगा, आज इस ईद के मौके पे, आज दो बड़े त्योहार हैं, आज ईद भी है, तो जितने इस चैनल को देखने वाले हैं तमाम हमारे इस्लाम के परस्त भाई हैं मुसलमान, उनको मैं ईद की बधाई दूंगा। और दूसरा, आज महाराणा प्रताप की जयंती भी है, उनकी दिनांक के हिसाब से आज जयंती है, तो प्रताप जयंती और ईद दोनों साथ साथ है, यानी कि धीरे धीरे ये त्योहार भी हमें ये बताने लग गए हैं कि सब एक हो जाओ, मिलजुल के रहो, इसी में इस देश की भलाई है, इस विश्व की भलाई है। क्या बात है आजाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया मिथुन प्राइम पर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमारे दर्शकों को हंसने का एक शानदार मौका देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
और अपने दर्शकों से भी हम कहना चाहते हैं कि हम अपने इस प्रोग्राम के माध्यम से ये कोशिश करते हैं कि आप घर बैठे हंसे मुस्कुराएं खिलखिलाएं, क्योंकि परेशानियां जो हैं वो आती जाती रहती हैं, जिंदगी का बोझ बनकर सिर पर टिक जाती हैं, लेकिन आप उन्हें हंसी के माध्यम से ठहाकों के माध्यम से कम कर सकते हैं। तो हंसिए मुस्कुराइए, यही हम कामना करते हैं। दीजिए इजाजत, नमस्कार।